ओम शांति। और एक बार तो दादी ने कहा गंगे दादी से, आप चली जाओ और इसको छोड़ के जाओ, मुझे कुछ दिन इसके हाथ का भोजन खाना है मधुबन में, ये हमको अच्छे अच्छे तरह तरह बना बना के खिलाएगी। तो दादी को बहुत था कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे पास रहेगी। मैं सवेरे दादी के पास गुड मॉर्निंग करने जाती थी, दादी बहुत प्रेम से जो दादी के पास फूल होता था वो मुझे पकड़ा देती थी। तो ऐसे मैंने देखा दादी में कितनी विशेषताएं थी, बहुत प्यार से दादी सबको चलाते थे। और दादी हमेशा जैसे कोई अपनी कंप्लेन किसी से करता है कि दादी वो ये ऐसा है वैसा है, दादी कभी उसकी बातों में नहीं जाती थी, क्योंकि वो उसकी दोष निकालेगा, वो उसका दोष निकालेगा। दादी बहुत प्यार से दोनों को समझा देती थी, ठीक है ये ऐसा है और तुम भी कहते ये ऐसा है, लेकिन क्या दोनों में कोई विशेषता देखी है? अगर विशेषता देखी है तो बताओ, अब अच्छाई बताओ, अब मेरे को एक दूसरे की अच्छाई बताओ। तो जब अच्छाई बताते का एक गुण हो वही बताओ। तो दादी जी कहती थी बस अब जो अच्छाई है ना एक दूसरे की, वो ही देख करके चलो और बाकी कंप्लेन ख़त्म करो, कंप्लीट बनने का लक्ष्य रखो, कंप्लेन नहीं ख़त्म, ये बुक जो है ना समाप्त कर दो कंप्लेन करने की।